नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों के साथ, जहां छत्तीसगढ़ में फिर से ईडी के छापे पड़े हैं। रायपुर में मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा की देवेंद्र नगर स्थित निवास में दबिश दी गई है। ओएसडी आशीष वर्मा और मनीष बंछोर के भिलाई 3 निवास पर भी कार्रवाई चल रही है। वहीं आपको बता दें कि कारोबारी विजय भाटिया के घर पर भी जांच चल रही है। सीएम भूपेश ने इस कार्रवाई को लेकर के पीएम मोदी की ओर से बर्थडे गिफ्ट बताया है। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री का आज जन्मदिन है, आज ही के दिन ईडी का छापा भी पड़ा है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें ट्वीट कर बधाई और शुभकामनाएं भी दी हैं। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस पवन खेड़ा ने भी ट्वीट कर भाजपा पर रेड करवाने का आरोप लगाया है। वही अगली खबर की बात करें तो छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए पहले चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग आज से शुरू की जा रही है, लेकिन बीएड डिग्री वालों को इस काउंसलिंग से अलग रखा गया है। जी हां, जिससे नाराज अभ्यर्थियों ने मंगलवार रात डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के बंगले के पास उनकी गाड़ी रोककर अपनी समस्या बताई और उन्हें काउंसलिंग पर रोक लगाने के लिए ज्ञापन सौंपा। वही अगली खबर की बात करें, जहां बारिश के वजह से 86 से ज्यादा गांवों के ग्रामीणों ने पूजा अर्चना की। वही छत्तीसगढ़ में बस्तर संभाग सहित दंतेवाड़ा जिले में इस मानसून अच्छी बारिश नहीं हुई है, जिसकी वजह से किसान भी काफी परेशान हैं। जिले में अच्छी बारिश के लिए ग्रामीणों ने अब आस्था का सहारा लिया है। इंद्रदेव को मनाने के लिए लगभग 86 गाँव के लोगों ने उदेला की पहाड़ी पर देव भीमसेन के पत्थर को हिलाया है। हालांकि इससे पहले ढोल नगाड़े के साथ पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की गई, फिर शिला को हिलाकर सालों पुरानी परंपरा को निभाई गई। चौथी खबर में बात छत्तीसगढ़ में एक और आईएएस की, जहां आज बीजेपी में एंट्री हो रही है। जो यहां नीलकंठ टेकाम आज गोंडा गांव जिले के केशकाल में आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी की औपचारिक सदस्यता लेंगे। उनके वीआरएस के आवेदन पर केंद्र सरकार ने 17 अगस्त 2023 को मंजूरी दे दी थी। जानकारी के मुताबिक आज उनके प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और प्रदेश मुख्यमंत्री रमन सिंह उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाएंगे। इस दौरान बीजेपी के कई सीनियर लीडर्स मौजूद रहेंगे। सदस्यता लेने के बाद उनके गोंडा गांव या केशकाल विधानसभा से चुनाव लड़ने के संकेत हैं। ओपी चौधरी के बाद नीलकंठ टेकाम दूसरे आईएएस हैं जिन्होंने बीजेपी की सदस्यता और चुनाव लड़ने के लिए वीआरएस लिया है। छत्तीसगढ़ की खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।